शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक ढाबा संचालक ने अपने नौकर को शराब चोरी करने के शक में रस्सी से बांधकर लाठियों से बुरी तरह से पीट दिया। ढाबा मालिक की क्रूरता इतने पर ही नहीं रुकी, उसने मुंह में कपड़ा ठूस दिया और काफी देर तक थर्ड डिग्री जैसा टॉर्चर देता रहा। बता दें कि शराब ठेकेदार सहित आबकारी की मिली भगत से हाईवे पर होटल और ढाबा संचालक अपने ग्राहकों को शराब मुहैया करा देते हैं। कुल मिलाकर शराब की चोरी के इल्जाम में पीटा गया नौकर को ढाबा मालिक ने जितना गुनहगार समझा है, उससे ज़्यादा अवैध शराब को रखने और बेचने का गुनहगार खुद ढाबा मालिक भी है। अब देखना होगा कि आबकारी सहित पुलिस इस ढाबा मालिक पर उसके द्वारा उठाए गए इस क्रूर कदम पर क्या कार्रवाई करता है। इसमें कल सूचना मिली थी कि एक दिन पहले परसों इस तरह की मारपीट आई। इस जो नौकर था उनके यहाँ काम कर रहा था पिछले 2 महीने ढाबे पे, तो उनको कोई शंका हुई, कोई सामान उसने चुरा लिया है, तो उसकी मारपीट आई, काफ़ी जोर ज़्यादा की गई और उससे भी कहा गया कि आप अपना सामान दो, चोरी का सामान दो। तो उसमें हमने कल ने पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी आज किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी पे भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि शराब वगैरह बेचने का मामला था, कुछ शराब वगैरह चुराई थी। अभी ये प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन और क्लियर होगी, लेकिन कुछ इस तरह की बात आई है कि ढाबा में इनका जो नौकर था उसके ऊपर इनका एलिगेशन था कि कुछ सामान चुरा लिया उसने। शिवपुरी से राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।